चंद्रपुर नामक गांव में भाग्या और उसका पति सुरेश अपने बेटे मधु के साथ रह रहे थे। क्योंकि मधु शादी की उम्र का हो चुका था, भाग्या ने एक अच्छी लड़की का चयन किया और उसकी शादी कर दी। मीनाक्षी नाम की उसकी बहू खाने की बेहद शौकीन थी। वो हमेशा कुछ न कुछ खाना चाहती थी। इस बात की जानकारी सास ससुर और उसके पति किसी को नहीं थी। एक दिन भाग्या किचन में खाना बना रही थी। नई बहू के घर में आने की खुशी में वो मटन बिरयानी बना रही थी। बिरयानी बनाने के बाद वो नहाने चली गई। मीनाक्षी, जिसे बहुत भूख लगी थी, रसोई में आई और सोचने लगी, वाह, इतनी बढ़िया खुशबू! मेरे पति ने मुझे बताया था कि उसकी माँ अच्छा खाना बनाती है। मेरी सास वाकई स्वादिष्ट खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। ऐसा सोचकर उसने बिरयानी देखी। बिरयानी! ऐसा सोचकर वो गर्मा गर्म बिरयानी खाने लग गई। एक तरफ गर्म बिरयानी से उसका मुंह जल रहा था और दूसरी तरफ उसके नाक कान से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसने बिरयानी खाना जारी रखा। भाग्या नहाकर किचन में चली आई, लेकिन वहां बिरयानी नहीं थी। साथ ही सभी बर्तनों और चीजों को उनके स्थान पर रख दिया गया था। भाग्या को कुछ समझ नहीं आया। मैंने जो बिरयानी बनाई थी वो कहां चली गई? इसके अलावा सभी चीजें धुली पुछी रखी हैं। क्या मैं खाना बनाना भूल गई आज? इसी बीच बहू वहां आ गई और बोली, सासू माँ, क्या मैं चाय बनाऊं? मुझे सुबह चाय पीने की आदत है। मुझे भी सर दर्द है, मेरे लिए भी एक कप चाय ले आना। ठीक है सासू माँ। सोफे पर बैठी भाग्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच मीनाक्षी चाय लेकर आई। क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी सुस्त क्यों हो? कुछ नहीं मीनाक्षी। सासू माँ, मैं क्या पकाऊं आज? मैं मधु से उसके जागने के बाद कहूंगी कि मटन ले आए, आज मटन बिरयानी बनाते हैं। सासू माँ, शुक्रवार है ना, मैं मांस नहीं खाऊंगी, चलिए दाल बनाते हैं। ठीक है मीनाक्षी, रविवार को मटन लेकर आएंगे। फिर मीनाक्षी किचन में गई और खाना बनाने लगी। इस बीच वो किचन में सब कुछ जो मिला खाती रही। कुछ देर बाद वो भाग्या के पास आई। सासू माँ, किराने का सारा सामान खत्म हो गया है, इनके जागने के बाद इनसे लाने के लिए कहिएगा। क्या, हम कल सभी किराने का सामान लाए थे, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? क्या आपका मतलब है कि मैंने घर पर वो सब चीजें खा ली? हाँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम इतनी सारी चीजें कैसे खा सकती हो? वो सारी चीजें एक महीने के लिए काफी थी। बाहर गए ससुर मिठाई और फल लेकर आए। भाग्या, मैं तुम्हारे बड़े भाई के घर गया था, उसने ये मिठाइयाँ और फल भेजे हैं। मीनाक्षी, इन सभी चीजों को लेकर जरा अंदर रख दो, जाओ। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वो उन्हें अंदर लेकर चली गई। फिर वो उनमें से आधी मिठाई और फल लेकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है मीनाक्षी। कुछ देर बाद मीनाक्षी ने अपने कमरे में लाए सभी मिठाइयां और फल खा ली, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर आ गई। मीनाक्षी को देखकर भाग्या ने कहा, मीनाक्षी, तुम्हारे ससुर फल लाए थे ना, उन्हें ले आओ, हम सब मिलकर खाते हैं। ठीक है सासू माँ। मीनाक्षी अंदर गई और केवल कुछ ही मिठाई और फल लेकर आई। ये देखकर भाग्या ने कहा, अरे मीनाक्षी, तुम तो बहुत कम फल और मिठाई लाई हो, बाकी बचा हुआ कौन खाएगा, सभी कुछ ले आओ, जाओ। सासू माँ, वहां यही रखा था, तुम्हारे ससुर ढेर सारी मिठाइयां और फल लाए थे। ये सुनकर मीनाक्षी रोने लगी और बोली, सासू माँ, अब सुबह से मुझ पर शक कर रही है, मैंने उन्हें आपके सामने किचन में रखा था और अपने कमरे में चली गई थी, आपने भी देखा था कि मैं खाली हाथ गई थी, है ना? हाँ मीनाक्षी, आज सुबह से ही किचन का सारा सामान गायब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर में क्या हो रहा है। क्या सासू माँ, घर में चीजें अपने आप कैसे गायब हो सकती हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उस रात सब बहुत परेशान थे। जब सब सो रहे थे तो मीनाक्षी को बहुत भूख लगी। वो धीरे धीरे किचन में गई और वहां उसे जो मिला खाने लगी। उसी समय भाग्या किचन में पानी लेने के लिए आ गई।
बहू को किचन में देखकर वो चौंक गए। तब भाग्या को बात समझ में आई। वो धीरे से मीनाक्षी के पास गई और उससे पूछा, क्या कर रही हो बहू? ये सुनकर मीनाक्षी भाग्या के पैरों पर गिर पड़ी और अपनी भूख के बारे में बताया। भाग्या ने हंसते हुए कहा, ठीक है खाने वाली बहू, अब से तुम मुझे जो खाना चाहो बता देना, हम इसे घर पर बनाएंगे और खाएंगे, ठीक है? इतना कहकर भाग्या ने अपनी खाने वाली बहू को गले लगा लिया। कोंडापुर नामक गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी विमला और बेटी श्रीजा के साथ रहता था। चंदन मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन शाम को जैसे ही चंदन घर आया, श्रीजा उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा मैं स्कूल की परीक्षा में प्रथम आई हूँ। मुझे पता लगा है कि कल हमारे स्कूल में शिक्षक मुझे एक अच्छा उपहार भी देंगे। हमारे स्कूल में बड़े बड़े लोग आएंगे। टीचर ने कल सभी को नई ड्रेस पहनने को कहा है। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पापा, मेरे लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद दो। इस बीच विमला वहां आ गई और बोली, ए जी हमारे घर में चावल और दाल और बाकी सामान सब कुछ खत्म हो गया है। अब पानी के अलावा कुछ नहीं है। तुम बाहर जाओ और किराने का सामान लेकर आओ, इसे बहुत भूख लगी है। चंदन ने कहा ठीक है और बाहर चला गया। रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगा, ये क्या स्थिति है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कोई काम ही नहीं दे रहा। मैं इतनी बुरी हालत में हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेस भी नहीं खरीद सकता। मैं उनका ठीक तरह से भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। इस दौरान उसने देखा कि कुछ दूर लोग सीटी बजा बजा कर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। चंदन भी वहां पहुंच गया और देखा कि क्या है, एक कार के पास कुछ लोग खड़े थे और कुछ लोग उसके अंदर भी। तभी एक व्यक्ति एक भैंस पर बैठ गया और रस्सी के सहारे कार खींचने की कोशिश करने लगा। इस तरह एक एक कर सभी लोग उस भैंस पर बैठे और रस्सी के सहारे गाड़ी खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं खींच पाया। उस प्रतियोगिता का संचालन करने वाले किशोर नाम के व्यक्ति ने सोचा, ये क्या है, इस बार एक भी व्यक्ति नहीं जीत पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे इस प्रतियोगिता को आयोजित करना मुश्किल होगा। उसी समय चंदन किशोर के पास गया। सर मेरा नाम चंदन है, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। क्या, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे? हाँ सर, मेरा परिवार बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है। यदि आप प्रतियोगिता जीतने के बाद मुझे पैसे देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। क्या तुम प्रतियोगिता जीतकर पैसे कमाना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत जाते हो तो तुम उस गाड़ी और भैंस को भी ले जा सकते हो। ठीक है सर। ऐसा कहकर उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और सोचा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़ा और बोला, मैं खींच लूंगा। इतना कहकर वो भैंस पर बैठ गया और रस्सी को अपने हाथ में ले लिया। उसने अपने प्रिय भगवान से प्रार्थना की और फौरन रस्सी खींची। उसने भैंस को बड़ी जोर से लात मारी। इसके साथ ही भैंस आगे बढ़ गई। देखते ही देखते कार भी आगे बढ़ गई। ये देखकर सभी ने ताली बजाकर उसे बधाई दी। किशोर ने चंदन को भैंस, कार और पैसे दिए। चंदन बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बताई। ये सुनकर वो दोनों भी बेहद खुश हुई। फिर वे तीनों कार में बैठकर जश्न मनाने के लिए बाहर गए।